बुद्धं शरणं गच्छ। बुद्ध के पथ पे खुद को खोकर मिलता है मोक्ष का ज्ञान। प्रेम पथ पर सेवा कर ले तो बन जाता है इंसान। संघं युष्यन् बुद्धा गच्छा। सामना तो उनका कई कठिनाइयों से हुआ, ये तो बात सही है। शुरुआत जो है वो घरेलू मामले से ही शुरुआत हुई, क्योंकि जितनी सारी चीजें बाबा साहब की थी उनको सबको संभालना और कई लोग ऐसे भी थे कि जो बाबा साहब का सामान जो है वो अपने साथ में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मन में कोई खोट नहीं था, ये पहला नहीं, लेकिन एक यादगार के रूप में वो सारी चीज वो अपने साथ लेने आना चाहते। तो उनसे एक पहला टकराव और कहिए कि मन मिटाव की बात वहां से शुरू हुआ। दूसरी बात जो है वो हिस्सों की आई, बंटवारों की बात आई। कोर्ट में फिर उनको जाना और कोर्ट से फिर बंटवारा होना और कोर्ट से बंटवारा होने के बाद ये जो राजगृह आज है उसको माई साहब से खरीद लेना। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि करीब करीब 1.25 लाख के, मतलब 4 या 5 लाख, 6 लाख के आसपास उसकी कीमत थी। उसकी कीमत अदा देने के बाद उन्होंने वो अपने पास रखना। दूसरा ये था कि कई बाबा साहब ने जो छोटे छोटे संस्थाएं खोली थी, जैसे कि गांव कामगार कनिष्ठ सभा या कई और प्रॉपर्टीज जो थी वो बाबा साहब के नाम से थी, वो उन संस्थाओं को देना। तो उन संस्थाओं के सही हाथ में देना इसका मतलब हो गया कि जो नई है वो उनके विरोधी हो गया। तो ऐसा मैं कहूँगा कि पर्सनली भी, मतलब जिंदगी जिंदगी आयु में भी हमको कुछ चीज़ें बाबा साहब की चाहिए और उनको ना ले जाने। और ये भैया सभी जो है वो पीपल एजुकेशन सोसाइटी को अपने को देना है, क्योंकि वो सब बनाएंगे और वहाँ जितने भी पीपल एजुकेशन सोसाइटी के पदाधिकारी थे उनसे किसी प्रकार का मदद ना मिलना या उसको संभालने की जो व्यवस्था है वो संभालने की व्यवस्था ना बनाना, ये मैं मान के चलता हूँ कि निजी जिंदगी की उनकी जो है वो उस वक्त काफ़ी बड़ी संघर्ष की बात है। उसके पहले भी मैं उनका कहूँ कि जीवन जो है वो संघर्ष में जीवन ही रहा, मतलब उनका अकेले का नहीं, मुकुंद अम्बेडकर का भी था, उनके साथ साथ दोनों एक ही उम्र के थे, दोनों कभी भी मेट्रिकुलेशन पास नहीं। और लोग जो है वो दोनों को पूछते हैं कि सीधी 11 भी नहीं पास कर सकते, लेकिन वो जब 11वीं में थे तो यहाँ मेरे ख्याल से समाज की लड़ाई बाबा साहब कर रहे थे। उनका जो मेट्रिकुलेशन का जो सा वो 27, 28, 29, 30 और यही है कि जहाँ बाबा साहब मनुस्मृति महाड़ का सत्याग्रह कई और चीज़ों में फंसे हुए, तो वहाँ कुछ नहीं कर सके, इसलिए
उन दोनों को जो है वो जानबूझ के 12th स्टैंडर्ड परीक्षा में बैठने के बाद भी उसी में होने दिया। तो ये बातें चलती रही और कभी नहीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी अपने और अपने पिताजी के साथ। मतलब ये जो मैं नहीं मानता कहाँ से ये स्टोरियाँ डेवलप हुई, लेकिन तीनों में जो है बाबा साहब भैया साहब और मैं तीनों में एक बहुत बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ये किसी की जानकारी में नहीं है कि तीनों ने कई कंपनियां खोली और कई कंपनियां खोलने के बाद इंडस्ट्री भी चलाई जिसमें भैया साहब आगे थे, दोनों स्लीपिंग पार्टनर्स होते थे। लेकिन जब अड़चनी आई तो वो कंपनियां बेचते रहे और नई कंपनियां बनाते रहे। लेकिन जैसे कि राजगृह है, राजगृह के लिए करीब करीब 35,000 जो है उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन दिया था। उसके बाद में दूसरी एक माई साहब के लिए एक अलग से बिल्डिंग उन्होंने खरीदी थी। तो ये हुआ कि अड़चन में आ गए तो दो सीमेंट कंपनियां थी उसको बेच दी, तीनों ने मिल के बेच दी, उसमें कोई ये नहीं था। तंबाकू का भी व्यापार मुकुंद ने कहा कि मैं अकेले करना चाह रहा हूँ, ठीक है अकेले कर लो, वो बड़े लॉस में गए। तो एक और कंपनी बेच के वो लॉस को भरवा के मतलब मैं कहूँगा कि तीनों का एक अंडरस्टैंडिंग एक अच्छा था और वो ये नहीं था। ये जो जू का एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट भी मतलब लोग यही कहते हैं कि भैया साहब को बाबा साहब ने आने नहीं दिया, लेकिन क्यों आने नहीं दिया ये नहीं बताते, क्योंकि बाबा साहब के साथ PW था और भैया साहब के जो काम थे वो काफ़ी बड़े पैमाने पे PW में चल रहे थे, सेंट्रल PWD के साथ। जैसे उनका कि जू का जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का भी उनका खुद की एक कॉन्ट्रैक्ट थी, कंपनी थी, तो उसके माध्यम से दोनों मिलकर करते थे। कहा जाता है कि पीपल या बरगद के नीचे फिर कोई दूसरा पेड़ नहीं पनपता। ये कहावत उन लोगों ने बनाई जिसके अनुसार किसी बड़े महापुरुष के घर में कोई दूसरा महापुरुष पैदा नहीं होता। लेकिन इन सभी कहावत को झूठा साबित कर एक शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद बाबा साहब के कारवे को एक शिखर के रूप में ऊंचाई में ले जाने वाले और एक प्रखर रोशनी के रूप में धार्मिक और सामाजिक कार्य करने वाले न केवल पिता के नाम पर लेकिन खुद के बल पर कार्य करना और साथ ही साथ बाबा साहब के स्मारक बनाने हेतु सतत निष्ठा के साथ कार्य करने वाले थे भैया साहब अंबेडकर। भैया साहब अंबेडकर ये जो है बाबा साहब अंबेडकर के सुपुत्र है। भैया साहब जब उनका जन्म 12 दिसंबर 1912 में हुआ, जब उनका जन्म हुआ उसके बाद में वो बीमार से ही रहते थे। बीमार से रहने की वजह से उनकी तबीयत हमेशा नरम गरम रहती थी और इसलिए बाबा साहब को बहुत बड़ी चिंता थी। जब बाबा साहब का दूसरा जो लड़का है इनसे छोटा उसका नाम राजरत्न था, वो राजरत्न गुजर जाने के बाद बाबा साहब बहुत दुखी हुए, रमाबाई भी दुखी हुई और बाबा साहब भी दुखी, और बाबा साहब कभी रोए नहीं, लेकिन ये राजरत्न के वक्त उनके आँखों में आंसू आए, बहुत दिन तक वो विचार करते ही रहे और बहुत दिन तक वो दुखी रहे। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा दिल्ली में रहते थे और उधर रहने के वजह से वो जो जिम्मेदारी थी कि उनका शिक्षण कैसा हो जाए, शिक्षा कैसी हो जाए, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने रमाबाई के छोटे भाई, एक ही भाई था रमाबाई को, उसका नाम शंकर था, शंकर धोत्रे, उसको सब शंकर मामा ही बोलते थे। तो उनकी सेहत की पूरी जिम्मेदारी शंकर मामा की तरफ थी, इसलिए शंकर मामा वो जरा थोड़े से यशवंतराव चलने में भैया साहब बोलते उनको, बाबा साहब भैया साहब, तो उनकी जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी
शंकर मामा की तरफ होने की वजह से शंकर मामा उनको हमेशा समुन्द्र के किनारे ले जाते थे और वहाँ रेती के इसमें उनको बिठा देते ताकि उनके उनको कोई बीमारी ये नहीं थी, लेकिन वो कमज़ोर थे। कमज़ोर होने की वजह से वो बीमार भी रहते थे और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान भी नहीं कर सकते थे, लेकिन पढ़ाई में होशियार थे तो इसलिए वो मैट्रिक तक ही पढ़े। उनके साथ उनके जो चचेरा भाई है मुकुंदरा, वो भी उनके जैसे ही थे, तो इसलिए वो उनका जो अंग्रेजी पे बड़ा कमांड था, भैया साहब जो है उनके अंग्रेजी पे बहुत बड़ा कमांड था, और इसलिए बाबा साहब गुजरने के बाद में वो भारतीय बौद्ध महासभा की सब पूरी जिम्मेदारी भैया साहब पे आई। भैया साहब ने वो करीब करीब 1956 से लेकर तो 1977 तक वो जिम्मेदारी भैया साहब जीवित थे तब तक उन्होंने संभाली, उनके बाद में मीराताई अम्बेडकर आई। तो भैया साहब जब 1962 में वो विधान परिषद पे चुने गए और विधान परिषद से 62 से 68 तक उन्होंने विधान परिषद में काफ़ी भाषण दिए, उनके भाषण भी बहुत अच्छे रहे और इसलिए भैया साहब ने कभी मुड़ के देखा नहीं उनके ये सभी कामों में। बाद में क्या हुआ कि बाबा साहब का जो पुतला है वो संसद भवन में बैठना होना चाहिए, इसलिए भैया साहब उसके पीछे पड़े कि नहीं ये तो होना चाहिए, वो होना ज़रूरी है। इसलिए जब दादा साहब गायकवाड़ इनको वो दोनों मिलके बाद में दादा साहब गायकवाड़ राज्यसभा सदस्य थे, उन्होंने दोनों मिलके वो जगह भी मिलाई और वहाँ पुतला भी बिठाया और उसका उद्घाटन उस वक्त के महामहिम राष्ट्रपति इनके कर कमलों से हुआ। यानी एक बहुत बड़ा काम आज जो संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर पुतला आपको दिखाई देता है वो केवल ही भैया साहब अम्बेडकर की मेहनत है और उनको दादा साहब गायकवाड़ ने उनको मदद की है। अगर भैया साहब ने उधर ध्यान नहीं दिए होते तो संसद भवन में शायद पुतला भी नहीं होता, वो अभी कौन देता कौन ध्यान देता ये मालूम नहीं, लेकिन वो केवल भैया साहब की वजह से हुआ। बाद में मंत्रालय के नज़दीक एक कुपरेज ग्राउंड है जहाँ कॉर्नर पे ही बाबा साहब अम्बेडकर जो पुतला है वो भी भैया साहब के वजह से वहाँ बिठाया गया है, शायद उसका उद्घाटन भी भैया साहब ने किया। और बाद में क्या हुआ कि जब 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पे दीक्षा का कार्यक्रम हुआ तो वो जो जगह है वो जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति को मिलना चाहिए करके भैया साहब ने बहुत काफ़ी झगड़ा किया और उनके साथ में दादा साहब गायकवाड़ रसू गोवई ये लोग थे ही, पर भैया साहब ने उस जमीन मिलने के लिए बहुत सारे झगड़े किए, बहुत मेहनत ली, विधान परिषद में सदस्य होने के नाते उनको वो भी काम आया और उसके वजह से दीक्षा भूमि जो आज मिली है उसमें दादा साहब भैया साहब और दादा साहब गायकवाड़ इनका बहुत अमूल्य समय और अमूल्य मेहनत भी उनके काम में आई है। बाद में जब चैत्य भूमि का है वो चैत्य भूमि की जगह उस वक्त भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी तो भैया साहब अम्बेडकर ने उसके लिए भी काफ़ी मेहनत की और सरकार से झगड़ा किया कि वो जगह जमीन सब भैया साहब बाबा साहब के लिए चैत्य भूमि के स्मारक के लिए मिलनी चाहिए। उतना ही नहीं तो उस वक्त भैया साहब अम्बेडकर ने वो जो जगह है बाजू में हिंदू मिल की जगह है वो मिलनी चाहिए ये बाबा भैया साहब ने उस वक्त शुरुआत की थी और उनके वजह से वो जगह में जो भी मिली आज तो उनका शुरू में जो झगड़ा था वो आज काम आया। इस बाद में बाबा भैया साहब पूरे इंडिया भारत में तो घूमे बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए, लेकिन दुनिया में बहुत सारे देशों में गए, थाईलैंड बाकी इधर उधर जो श्रीलंका वो सभी जगह भैया साहब गए हैं। भैया साहब ने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया और भारत में भी उन्होंने सारा देश घूम के सारा ये किया और इसलिए भैया साहब का जो बाबा साहब का जो आधा अधूरा काम था उसमें काफ़ी समय देके काफ़ी मेहनत लेके वो किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर उनके लिए भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस जो है बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस वो बाबा साहब ने भैया साहब के पास दिया। जब बाबा साहब के जो अखबार निकलते थे वो बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाते थे और आज भी वो प्रेस की जो जिम्मेदारी है छापखाने की जो जिम्मेदारी है वो बाबा साहब के जो लड़के हैं उसमें सबसे बड़ा लड़का है प्रकाश जिसको बाला साहब अम्बेडकर बोलते वो राजकीय पॉलिटिकल ये करते हैं वो बाद में वो जो है भीमराव जिसको बाड़ा बोलते वो भीमराव
धम्म की जवाबदारी स्वीकारते हैं, भैया बाबा बाला और भीमराव और मेरा तय, इन दोनों ने धम्म की जवाब जिम्मेदारी भारतीय बौद्ध महासभा की जिम्मेदारी ली है। और आनंद राज जो है वो भी अपना पॉलिटिकल इसमें सेना करके ये है, उनमें वो भी काम करते हैं। यानी तीनों लड़के बाबा साहब के जो भी काम आधा अधूरा है, धम्म का काम, राजकारण का काम, इधर ये काम, सब कामों में वो रहते हैं। और इसलिए बाबा साहब की एक ही नहीं, भैया साहब को एक लड़की है जिसका नाम है रमा, वो बाबा साहब के सामने ही हुई है और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका नाम रमा रखा, क्योंकि वे हूबहू रमाताई अम्बेडकर जैसी है, उसको छुपाओ और रमाताई को भी लगाओ, ऐसे दोनों में ये है। वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है रमा, लेकिन उसको घर में रमा बोलते नहीं, उसको बेबी बोलते हैं, क्योंकि रमा भाई का नाम तो कोई लेता नहीं, तो इसलिए उसको बेबी बोलते। और बाला साहब का भीमराव जो नाम है उसको भीमराव कोई बोलता नहीं, इसलिए उसको बाला बोलते। यानी रमा जब बाबा साहब गए तब वो 5-6 महीने की थी रमा, और बाबा साहब ने उनको देखा है और बोले ये तो मेरी रमा ही मेरे घर आई है, तो ऐसे बाबा साहब के उद्गार थे। और बाद में आखिरी इसमें बाबा साहब बाला साहब अम्बेडकर बाबा साहब के आखिरी जो बर्थडे हुआ, वार दिवस हुआ, उस वक्त बाला साहब अम्बेडकर उनके गोद में थे। तो ऐसे और तरह से भैया साहब ने किन्हें जो बाबा साहब की बात की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, और बाबा साहब का रहा हुआ आधा अधूरा काम उन्होंने बहुत सारा किया है। बाकी अब उनका का बाबा साहब अम्बेडकर का काम उनके पोते संभालते है। इतना ही, बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाई के सबसे बड़े पुत्र थे यशवंतराव अम्बेडकर अर्थात भैया साहब अम्बेडकर, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1912 को अम्बेडकर परिवार में हुआ। बाबा साहब के 5 संतानों में क्रमशः यशवंतराव, रमेश, गंगाधर, राजरत्न, 4 पुत्र और 1 पुत्री का समावेश था। यशवंत ज्येष्ठ पुत्र थे, पुत्री राजरत्न से बड़ी थी, लेकिन बड़े बच्चे यशवंत को छोड़कर चारों बच्चे जिसमें पुत्री इंदु का भी समावेश है 2-3 वर्षों के अंतर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यशवंत राव का स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता था। बाबा साहब अपने कार्यों में और अपनी शिक्षा में व्यस्त होने के कारण अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसके चलते घर और बच्चे की सारी जिम्मेदारी रमाई के ऊपर थी। और पारिवारिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण रमाई भी बच्चे के उपचार की ओर ध्यान नहीं दे पाती थी, जिसके चलते भैया साहब के स्वास्थ्य का ध्यान उनके मामा दिया करते थे। शारीरिक अस्वस्थता के कारण भैया साहब का शिक्षण मैट्रिक तक ही हो सका, लेकिन जिंदगी जगने और कार्य करने की चाहत किसी बड़ी से बड़ी परिस्थिति और मुसीबत को भी मात दे सकती है। ठीक इसी प्रकार यशवंतराव अंबेडकर ने भी अपनी अस्वस्थता को मात देकर अपने कार्य की पहल करना शुरू कर दिया। पिता के नाम का फायदा न लेते हुए भैया साहब अंबेडकर ने स्वयं का अस्तित्व खुद ही बनाया और सीमेंट का कारखाना खोला। उसके बाद मुंबई विमानतल परिसर के बांधकाम का कार्य अपने हाथों में लिया, जिसमें उन्हें योग्य सफलता मिलने लगी, जिससे उनके कार्य के प्रति उत्सुकता और बढ़ने लगी। कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ हमें कार्य करने की उत्सुकता या उस कार्य के प्रति लगन होती है ना, तो वहाँ राह हम बना लेते हैं, या हमें अपने आगे की राह अपने आप दिखने लगती है। ठीक उसी प्रकार भाई साहब यशवंतराव अंबेडकर के साथ भी इसी प्रकार हुआ। अभी 25 वर्ष की उम्र भी नहीं हो पाई थी कि बालक यशवंत के सर से माता का साया उठ जाता है। 27 मई 1935 में माता रमाई का निधन हो गया। रमाई के गुजर जाने के बाद भैया साहब की जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पर आन पड़ी। भैया साहब का ध्यान देने लगे थे, उसी के साथ साथ भैया साहब के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा था। व्यक्तिगत जीवन में आता हूं कि संघर्ष में ख्याल से उनका जो है वो सामाजिक राजनीतिक लोग जो थे उनसे होता रहा। बाबा साहब ये तब तक नहीं था कि ये बाबा साहब और मुकुंदा जो थे वो सिर्फ अखबार निकालना
छोटी छोटी पुस्तकें लिखना, प्रेस चलाना और अपनी खुद की जो निजी बाबा साहब अम्बेडकर उसका ये था। तो मैं ये कहूँगा कि उनका संघर्ष जो है, मतलब संघर्ष में जीवन जो है वो पहले जिंदगी से काफ़ी बड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपने खुद के मिजाज थे और वो किसी को मानते नहीं थे, उनको जो बात अच्छी लगी वो करते रहे। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी जो बात की जो संघर्षमय जीवन है वो संघर्षमय जीवन में समझता हूँ कि पहले उनकी बाबा साहब के वक्त उनकी जो जिंदगी थी और जिस तरह से वो अंतर बना के चलते थे वो मेरे ख्याल से उनका काफ़ी बड़ा था। और वही विरोधक जो है वो मेरे ख्याल से बाद में जैसे कहा कि कुछ चीज़ें कुछ लोग लेना चाहते थे एक सविनय के रूप में, उन्होंने कहा नहीं आपके यहाँ नहीं रहा, पी सोसाइटी जो है संभालने के लिए संस्था है, जगह है, सब कुछ है, उसको हम लोग ने देना चाहिए क्योंकि एक जनरेशन में उसका लगाव रहता है, हो सकता है कि दूसरे जनरेशन में उसको लगाव ना हो और फिर उसकी कीमत जो है वो कीमत उसकी पता नहीं चलती है। लेकिन एक संस्था अगर उसको संभालती है तो वो संस्था जो है वो सही ढंग से संभालना शुरुआत करी और सदियों के लिए वो चलता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से जो है उनका कई उस वक्त के लोगों के साथ मतभेद भी हुआ, कई लोगों को उनका जो रवैया था ये पसंद भी नहीं आया। और मेरे ख्याल से बाद में मेरे ख्याल से वो जो दूरियां लोगों में आई मतलब वो काफ़ी बड़ी हो गई, क्योंकि बाबा साहब के वक्त ही उनकी एक आयु जो थी कि अपनी खुद की एक जिंदगी जीने की आयु थी, किसी के सामने झोला ना फेर कर खड़े होने की जो उनकी बात थी, तो वो आखिरी वही करना चाहते थे। लेकिन कई लोग जो है झोला फेरने वाले मूवमेंट में थे तो उनकी और उनकी मेरे ख्याल से कई बात हुई थी। एक उनका ये था कि उन्होंने बाबा साहब का ये जो धर्म परिवर्तन का मार्ग था उसको उन्होंने अपनी जिंदगी बनाया और बाबा साहब के बाद का अगर धर्म का फैलाव जो देश में हुआ इसमें किसी राजनीतिक उस वक्त के नेता जो है उनका कोई योगदान नहीं है समझ लो। हालांकि इससे उनका रुझान नहीं था, राजनीति से उनका रुझान था और इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल से 6-7 साल बाबा साहब के बाद सब कुछ छोड़ते हुए धर्म परिवर्तन के आंदोलन में देशभर जो है वो उन्होंने दौड़ लगाई। और मैं समझता हूँ कि आज जो बुद्धिज्म की हमको छवि दिखाई देती है देश में, लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, ये मैं भाई साहब को बाबा साहब के बाद जो है श्रेय देता हूँ क्योंकि उनकी ही अकेली की देन है, दूसरा इसमें कोई हिस्सेदार ऐसा नहीं था। 3 अक्टूबर 1932 के येवला के एक कार्यक्रम में बाबा साहब ने घोषणा की कि वे हिंदू के रूप में पैदा हुए हैं किंतु हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं, अर्थात उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। तब भैया साहब 23 वर्ष के हो चुके थे, अर्थात समझदार और पूरे होशो हवास में अपने पिता की हुंकार को सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका मकसद या कुछ एम होता है, उस मंजिल को पाने के लिए वे अनेक प्रयास करता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति विकास भी जरूरी होता है जो सामाजिक गतिविधियों से होता है। बाबा साहब की घोषणा को सुन समझकर भैया साहब सामाजिक कार्य में भाग लेने लगे। देखिए एक ऐसा है कि प्रिंटिंग प्रेस जो था वो अखबार के अंदर वीकली अखबार जो था उसके लिए, और वो वीकली अखबार जो है हमेशा लॉस में चलता, उसको चलाने के लिए मतलब जो है सपोर्ट के लिए जो है वो रेगुलर प्रिंटिंग प्रेस भी चल रहा था उसमें।
ताकि जो इनकम आए वो इनकम इस अखबार के लिए इस्तेमाल करें। कई लोगों का जो ये था कि ये इनकम आ रही है ये सिर्फ अखबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब उसको चलाने के लिए, हमको किसी प्रकार का उसमें हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसलिए कान फूंकने वाले कई लोग थे। तो एक दफ़े बाबा साहब ने उनसे पूछा, व्यक्ति ठीक है आप चलाने मांगते हो सही है, लेकिन ये इसका खर्चा इसका प्रावधान कर दो और मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जैसे खर्चे का प्रावधान आया सब उठ के चले गए। उनका ठीक है, वो चलाने का जो तरीका था बिजनेस और उससे सोशल जो था वो मेरे ख्याल से बाबा साहब जो है वो चला रहे थे। और क्योंकि पहला प्रेस बाबा साहब ने जो शुरुआत किया था उसको जलाया था और इसलिए उनसे ये प्रेस का काफ़ी बड़ा लगाव था। मतलब बम्बई में जब कोई आते थे तो मौका मिले तो उस प्रेस में जाके बैठते भी थे और कई बार तो उन्होंने वहाँ पर बैठ के मुक्ताएँ या बश के बारे थे और जनता भी जो है उसके एडिटोरियल जो है वो भी कई बार वहाँ पर बैठ के लिखे, तो उनका एक लगाव था और इसलिए उन्होंने बाकी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में कर दी, लेकिन ये कहा कि ये मेरी निजी प्रॉपर्टी रहेगी, मैं इस पर कोई अधिकार नहीं छोड़ा। अखबार मेरे ख्याल से जो उस वक्त चला वो मैं समझता हूँ कि आज भी छोटे छोटे अखबार निकलते हैं या आज प्रभु दरबार में खुद निकाल रहा हूँ। मान लीजिए कि आज लोग अच्छे स्थिति में हैं इसलिए लोगों ने एक अच्छी खासी रकम जो है डोनेशन के रूप में दी है। और मान लीजिए अभी एक 3-4 साल के सुकून है कि अखबार चल सकता है, उसमें कहते इतनी मदद आ गई कि 3-1 साल तो भी अखबार ये चल सकता है। ऐसी एक परिस्थिति मतलब किसी ने खरीदा नहीं या किसी ने अपनी सब्सक्रिप्शन अदा भी नहीं की तो भी ये 3-4 साल चल सकता है ऐसे परिस्थिति में लोगों का। लेकिन उस वक्त परिस्थिति वैसी नहीं थी, लोगों के पास देने की इच्छा थी लेकिन देने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर उसको जो है वो थोड़ी व्यापारी वृत्ति जोड़कर वो अखबार में समझता हूँ कि कई सालों तक कई महीनों तक चला और लोगों की एक मोमेंट उस अखबार से ना पूछे। अब जो है मैं समाज के अंदर कुछ लोग हैं कुछ करना तो नहीं चाहते लेकिन छीनना काफी चाहते हैं, देने वालों की संख्या काफी बड़ी है ऐसा मैं मानता हूं। ये जो दूसरों की संपत्ति पर आंख रखने वाले कुछ लोग हैं समाज ने इनसे आगाह होना चाहिए। सन 1944 में भैया साहब ने बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित प्रिंटिंग प्रेस का कार्यभार संभाल लिया था। सन 1952 में रंगून में संपन्न विश्व बौद्ध सम्मेलन से लौटकर आने के बाद बाबा साहब ने अपने इस पत्र जनता का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत और प्रिंटिंग प्रेस का नाम बदलकर बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस रख दिया था। समाज प्रमोदनासाठी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर एका मुखपत्राची गरज होती की ज्या मुखपत्रामधून बाबा साहेबांना आपले विचार ह्या जनतेसमोर नेण्याची गरज होती। भाषण सभा संमेलन ह्याचा इम्पॅक्ट होण्यापेक्षा आपलं स्वतःचं एक मुखपत्र असावं म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1927 मुंबई सेंट्रल कामाटीपुरा ह्या एरियामध्ये प्रिंटिंग प्रेसचे निर्माण केले आणि त्या प्रेसमधून त्यांनी पहिल्यांदा बहिष्कृत भारत ह्या अंकाचं प्रकाशन केलं।
पहिले दोन इश्यू आहेत बहिष्कृत भारताचे, ते त्यांनी बाहेरून काढले, आणि तिसरा इश्यू हा त्यांनी त्या प्रेसमध्ये काढला. आणि त्या पत्रकामधून, साप्ताहिकामधून बाबासाहेब विचार ते समाजाच्या जनतेसमोर मांडत होते. 27 नंतर असे करत करत 27 नंतर तो प्रेस तिथून बंद केला. नंतर 1943 साली या दादरच्या नायगाव विभागामध्ये आणला. आणि 42 आणि 43 दरम्यान हिंदू मुस्लिम राईट झाली, आणि त्याच्यामध्ये तो उद्ध्वस्त करण्यात आला. आणि हा आंबेडकर भवनातील बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेस हा 1946 दरम्यान या आंबेडकर भवनामध्ये त्यांनी परमनंटली स्थापन करण्यात आला. अशा प्रकारे बाबासाहेबांच्या प्रेसची थोडक्यामध्ये हिस्ट्री आहे. आणि ह्या प्रेसमधून इथून पूर्वीचा भारतभूषण नावाने प्रेस होता, आणि इथे आल्यावरती बुद्धभूषण नावाने, प्रिंटिंग प्रेस नावाने त्यांनी सुरुवात केली. आणि तेव्हापासून नास्तक आहेत हा प्रेस आंबेडकर भवनाच्या ह्याच्यावर. ते करत असताना बाबासाहेबांनी एक लक्षात घेतलं की एखादा मोठा भूखंड घ्यावा, त्या भूखंडामध्ये आपला प्रेस असावा, आणि त्याच्यानंतर सोशल सेंटरची कल्पना त्यांनी मांडली होती. आणि ती सोशल सेंटरची कल्पना अशासाठी की बाबासाहेब म्हणतायत की माझ्याकडे आता कॉलेजेस आहेत की ज्यातून पदवीधर निर्माण होऊ शकतात, परंतु सोशल याच्यामधून टेक्निकल आणि सोशल फील्डमधले विद्यार्थी देखील घडवण्याची गरज आहे, हे कल्पना त्यांनी 1946 ते 1947 दरम्यान मांडलेली. त्याच्यानंतर हा भूखंड त्यांनी, आंबेडकर भवनाचा भूखंड 1943 साली विकत घेतला. हा 3223 चौरस मीटरचा भूखंड, आणि त्याच्यावरती हा बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेस, आणि त्यांनी जो स्थापन केलेला शेड्यूल कास्ट इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट, की ज्याच्यामधून त्याची उद्दिष्ट हे सोशल वेलफेअर सेंटर्स आणि टेक्निकल एज्युकेशन्स होतं, त्यामधून ती इमारत या आंबेडकर भवनामध्ये व्हावी. परंतु ती सोशल वेलफेअरची कल्पना कधीच मटेरियलाइज झाली नाही, कारण 42 नंतर बाबासाहेब जास्तीत जास्त काळ त्यांचा हा दिल्लीमध्ये झाल्यामुळे हा बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेस त्या काळी भैयासाहेब आंबेडकर आणि प्रबुद्ध भारत, इथून प्रबुद्ध भारत आणि छोटे छोटे हँडबिल्स वगैरे इथून आम्ही प्रकाशित करत होते. भैया साहब प्रबुद्ध भारत के संपादक तो थे ही, वे प्रिंटिंग प्रेस का प्रकाशन, मुद्रक का भी काम संभाल रहे थे. बाबा साहब द्वारा स्थापित प्रिंटिंग प्रेस आज भी सतत कार्य कर रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कार्य के प्रति कार्यरूप है. उसी बीच 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भैया साहब का साथ छोड़ चले जाते हैं. बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद आंबेडकरी समाज में मानो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्थान रिक्त हो गया था, और इस स्थान को एक जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता थी, परंतु इस कार्य के लिए एक भी व्यक्ति समर्थ नहीं था. फिर भी कुछ लोगों ने इस जिम्मेदारी को संभालने की कोशिश की, जिसमें भैया साहब आंबेडकर का एक महत्वपूर्ण नाम है और स्थान भी है. बाबा साहब आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को भारत की ऐतिहासिक जगह नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा ली थी. बौद्ध धम्म के प्रचार व प्रसार करने हेतु द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब खुद थे. परंतु उनके महापरिनिर्वाण के बाद एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में द्वितीय अध्यक्ष भैया साहब आंबेडकर इन पर आन पड़ी थी, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत ही कुशलता के साथ और बखूबी निभाया. लेकिन राजनीति की गुटबाजी के कारण भैया साहब आंबेडकर इनके कार्य को दुर्लक्ष किया गया. सन 1957 से सन 1959 के दौरान महाराष्ट्र के कोने कोने से धर्मांतरण की प्रक्रिया ने जोर धर लिया था. इसका प्रमुख श्रेय भैया साहब को मिलता था और मिलता है और मिलता रहेगा. परंतु भैया साहब आंबेडकर के कर्तृत्व का इतिहास एक रहस्यमय इतिहास बनकर रह गया. ये आगाह होना चाहिए, कई लोग मुझे आते कि हम जो है वो हमारी जमीन है, ये है, वो है, डोनेट करना चाहते, तो
मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि तुम डोनेट मत करो, उस ट्रस्ट में आपके परिवार के लोग भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, ये आप पे जो विश्वास रखने वाले वो ही है। और दूसरा जो है वो नए ट्रस्टी क्या आएंगे, इसको बनाते समय उसमें क्या हुनर होनी चाहिए, उसमें कौन सी लगन होनी चाहिए, इसको देखते हुए उसका प्रावधान कर लीजिए तो ये ट्रस्ट अच्छा चलेगा, नहीं तो ये ट्रस्ट अच्छा नहीं चलेगा। जिस तरह की सोसाइटी है जिसको हम लोग अभी कब्जे में लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी अड़चने हैं। इसके पहले वो 3 साल पहले जमीनें उसकी खा रहे थे, बेच के खा रहे थे, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, सब तमाशा देखते रहे। लेकिन अब जब उसको एक अच्छी शक्ल में हम लोग ले आए हैं तो वहां जो है विरोध होना शुरुआत हुआ, और विरोध करते समय इसको सुधार क्यों रहे, इसको बचा क्यों रहे, मतलब हर चीज आज मैं कहूँगा कि एक वर्ग ऐसा है कि जो हर चीज़ बाबा साहब की बेच के खाने के लिए उठा हुआ है। ये सिर्फ इतना है कि आम आदमी का एक सपोर्ट होने की वजह से आज सारी चीज़ें जो है वो हम लोग बचा पाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोगों का आम इंसान का आम व्यक्ति का सपोर्ट मिल रहा है, वो अगर सपोर्ट बना रहे तो मेरे ख्याल से बाबा साहब की जो चीज़ें जो हैं वो संस्थाएँ जो है उसको हम लोग बचा पाए। मैं कहूँगा कि सामान बाबा साहब के बाद भैया साहब को भी संभालने का मौका मिला ही नहीं। जो आज की खिचड़ी है वो उसी वक्त की खिचड़ी है, उस वक्त भी जैसे नीतिहीन लोग थे वैसे आज भी नीतिहीन लोग हैं। और ये जो नीतिहीन लोग जो है वो फिर गुमराह करते करते लोगों को कहीं और सपना दिखा के अपनी रोटियां सेकने की बात करते। मैं लोगों को यही कहूँगा कि रोटियां कौन सेक रहा है कौन नहीं सेक रहा है इसको जरा परखना सीखो। जो बेहतरीन मोमेंट है मैं उनसे आगाह करूँगा, भावनात्मक मूवमेंट तो चलनी चाहिए, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन सोच समझ के भी मूवमेंट चलनी चाहिए। ये जो सोच समझ के हम लोग मूवमेंट नहीं चला रहे हैं उसकी वजह से आज कई कठिनाइयां और कठिनाइयों को हम लोग को सामना या आगे जाना होगा। तो इसको अगर अगले इसमें रोकना है तो भावना के साथ साथ विवेक भी होना जरूरी है, और विवेक अगर होना है तो हम लोग को कई चीज़ों पर ऐतिहासिक हो या वर्तमान हो उसको समझने की और समझाने की दोनों ताकत हम लोग में रखें, तब जाके हम लोग जो है ये बाबा साहब ने कहा था कि सक्षम व्यवस्था बन सकती है, सक्षम इंसान बन सकता है, और यहाँ के हिस्सेदार सत्ता के जो है हिस्सेदार हम लोग बन सकते हैं। नैतिकता में ये कहूँगा ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग अपनी गरीबी पुरखों के इतिहास पर जो अधिक विश्वास है गलत है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन वही विश्वास अगर हम लोग अपने आप पर रखें तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है। पुरखों के इतिहास पर पुरखों की जिंदगी पर हम लोग सिर्फ दोहरा सकते हैं लेकिन नई जिंदगी नहीं बना सकते। नई जिंदगी अगर बनाना है तो वर्तमान में हम लोग को जीना होगा और वर्तमान में ही हम लोग को रहना होगा। महापुरुषों के पुत्र महापुरुषों के जैसे तेजस्वी रहते ही नहीं,
इस कहावत को वाकई भैया साहब अंबेडकर ने गलत साबित करके दिखाया। महापुरुष अपने उद्देश्य को लेकर समरस रहते हैं। जो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए रात दिन एक कर अपने लक्ष्य के लिए सतत लड़ते रहते हैं, वो लड़ाई मात्र युद्ध नहीं होती बल्कि एक अखंडित कार्य के लिए होती है, जो निरंतर कार्यशील होती है। बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद भैया साहब ने अपने मन के भीतर के संकोच को निकाल कर फेंक दिया और स्वनिर्भर हो गए, जिससे उनका छिपा हुआ नेतृत्व गुण जागरूक हुआ और वे एक समाज का नेतृत्व करने लगे, जिससे दलित जनता को लगने लगा कि हमारे महान नेता के पुत्र में तेज है, नेतृत्व गुण है। इन सभी कार्यों के बीच उन्हें उनके कार्यों की पहचान हो गई और वे अपने अंतिम सांसों तक पिता के कार्यों का प्रचार व प्रसार करते रहे और उसी के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार भी करते रहे। भैया साहब की निष्ठा, पराक्रम और कर्तृत्व देख भैया साहब आप धन्य हो गए, ऐसा प्रतीत होता है। एक महामानव महासूर्य का सूर्य पुत्र यशवंत राव अर्थात भैया साहब का आज के दिन 17 दिसंबर को सन 1977 को तमाम प्रेरणादायी कार्य कर हमारे देश की जनता को छोड़ गए, जिनके कार्य आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत का और प्रेरणादायी कार्य कर रहे हैं। ऐसे महान सूर्य पुत्र को यूसीएन बुद्धा परिवार शतशह वंदन करता है। बुद्ध के पथ पे खुद को खोकर मिलता है मोक्ष का ज्ञान। प्रेम पथ पर सेवा कर ले तो बन जाता है इंसान। संघं यूसीएन बुद्धा गच्छामि।